करीना कपूर सन तैमूर बेक्ड कुकीज फॉर हिज ब्रदर कैफ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करीना ने अभी रिसेंटली अपने सेकंड बेबी बॉय को जन्म दिया है। घर में नए मेहमान के आने पर तैमूर खुश भी हैं और थोड़े परेशान भी कि पहले तो सारी अटेंशन मुझे ही मिला करती थी, मगर अब ये अटेंशन थोड़ी कम होती जा रही है। और इसी सब में तैमूर अपने छोटे भाई से थोड़े से जेलस होने लग गए। करीना और सैफ तैमूर को पहले से ही अपने आने वाले सिबलिंग के बारे में बता रहे थे ताकि वो अपने आने वाले सिबलिंग के साथ मिलकर रहें। और इसके लिए करीना ने तैमूर के लिए काफ़ी प्ले डेट्स भी रखी थी, जिसमें वो अपनी कज़न सोहा अली खान की बेटी इनाया के साथ काफ़ी बार प्ले डेट्स पर जा चुके हैं। मगर अब करीना तैमूर को अपना फुल टाइम भी दे रही हैं ताकि तैमूर ऐसा कुछ फील ना करें। कुछ दिन पहले करीना कपूर तैमूर को अपने साथ करिश्मा कपूर के घर ले गईं ताकि वो वहाँ अपने कजन्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकें। और अब तैमूर के साथ मिलकर उन्होंने कुकीज़ भी बेक की। और इसी तरह तैमूर ने अपने आने वाले भाई को वेलकम किया है एक ख़ास अंदाज से। तैमूर ने की कुकीज़ बेक ताकि अपने भाई के लिए उनके दिल में जेलसी ना आए और वो उसे प्यार करें। करीना ने तैमूर की उनकी बेक की हुई कुकीज़ के साथ पिक्चर भी शेयर की और कैप्शन में लिखा कि माय मैन इन वन फ्रेम क्वाइट गुड लुकिंग दो। करीना ने तैमूर की बेक की गई कुकीज़ की पिक्चर भी अलग से शेयर की है। तैमूर ने अपने मॉम एंड डैड, खुद और अपने भाई को दिखाने के लिए डॉल शेप्ड कुकीज़ बनाई हैं और ये एक फैमिली को शो कर रही हैं। और उनका अपने भाई को वेलकम करने का ये अंदाज़ सबको बहुत पसंद आ रहा है। और करीना जिस तरह तैमूर को संभाल रही हैं, ये सब भी देख कर सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हो रहे हैं। आपको तैमूर की बेक की गई कुकीज़ कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।